अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञान दान में सहभागी बने। एक दिन की 9000 अथवा 3000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञान दान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है, अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर परम मुनि भक्त दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्र वधु विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्र वधु विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। अनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यंध सिंदुर विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम् विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की, यह सुंदर रचना। इसमें 202 नंबर के श्लोक को आधार बनाकर कल हम 3 गुप्तियों की चर्चा कर चुके हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। जहाँ तक इनके क्रम के संदर्भ में बात करें, सबसे पहले काय गुप्ति होती है, फिर वचन गुप्ति होती है और फिर मनोगुप्ति होती है। सबसे पहली बात, हम कोशिश ये करें कि कम से कम चलें फिरें, कम से कम घूमें, काय को स्थिर करने का प्रयास करें, बुद्धिपूर्वक बैठ जाएं एक स्थान पर। जब बुद्धिपूर्वक विकल्प पूर्वक किसी एक ही स्थान पर बैठ जाते हैं तब काय गुप्ति होती है, जब हिलना चलना फिरना नहीं होता है। फिर उसके बाद बोले बैठ तो गए थे, अब बोलना भी बंद करो। जब बोलना बंद कर दिया तो वो वचन गुप्ति होती है, बोलना तो बंद कर दिया लेकिन मन दौड़ता रहा, मन भागता रहा। मन को कंट्रोल करना ये बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। मन के रुके बिना रुकता नहीं है सब कुछ, क्योंकि मन का रुकना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शरीर, वचन और मन, इन तीनों को रोक लेने पर तो सम्यक ध्यान हो गया, इन तीनों के रोक लेने पर तो शुद्धोपयोग हो गया, इन तीनों के रुक जाने पर तो अवस्था बहुत उत्कृष्ट हो गई, ये बात तो काफ़ी आगे निकल गई। अब सवाल वहाँ का नहीं है, अब बात यहाँ की नहीं है, अब बात तो कुछ और करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? कि साहब हमसे यदि चले बिना नहीं रहा जाए तो बोले चल लेना, कि बोले बिना नहीं रहा जाए तो कि बोल लेना। देखो, क्योंकि कैसे हो सकता है कि हम चले भी नहीं और बोले भी नहीं? खाना पीना भी होता है, चलना भी होता है, बोलना भी होता है। ये तो कदाचित किसी समय ध्यान की मुद्रा में, ध्यान अवस्था में 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कदाचित इस प्रकार की बात हो जावे कि हम नहीं बोलें, ये हो गया। कदाचित 1.5 घंटे के लिए, 2 घड़ी के लिए मौन धारण करके शरीर को स्थिर करके बैठ गए, लेकिन लाइफ टाइम तो पॉसिबल नहीं है ना, परमानेंट तो नहीं हो सकता है ना कि हमारा बोलना चलना बंद हो जावे। तो प्रश्न खड़ा होता है कि यदि आप बोलना चाहते हैं तो क्या बोलें?
चलना चाहते हैं तो कितना चलें, कैसे चलें। ये मुनिराजों के जीवन में चलने वाली क्रियाएं और प्रक्रियाएं उनको यहां पांच प्रकार से कह रहे हैं। माने मुनिराज क्या क्या करते हैं ये बताओ। पांच समिति तीन गुप्ती कही थी ना हमने, 28 मूल गुण यदि मुनिराजों के जीवन में न भी हो तो पांच समिति और तीन गुप्ती इतने मात्र में मुनि दशा हो जाती है। पांच समिति और तीन गुप्ती बस इतने मात्र में काम हो जाएगा। गुप्ती की चर्चा कर चुके हैं, समिति की चर्चा यहां प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बात बतलाना चाहता हूं कि हमारे जो भावलिंगी संत मुनिराज हैं वे पांच ही प्रकार के काम करते हैं। उनको पांच समितियां नाम दिया गया है। आप सोचिए जरा, आंख बंद करके देखिए मुनिराज क्या क्या करते हैं, बोलो क्या क्या हो सकता है। मुनिराज क्या क्या करेंगे, बोले या तो चलेंगे, हाँ बिल्कुल चलते हैं कि नहीं मुनिराज, बोले मुनिराज चलते हैं, कि या फिर बोलेंगे, तो मुनिराज बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। चलना भी मुनिराज के लाइफ में है, बोलना भी मुनिराज की लाइफ में है। अच्छा दो हो गए। तीसरा पॉइंट कहते हैं चलने और बोलने के साथ साथ बोले खाते भी हैं, भोजन भी करते हैं, आहार भी लेते हैं। बोले ये तीसरा बिंदु हो गया, चलना बोलना भोजन करना या फिर किसी वस्तु को उठाना धरना। पीसी कमंडल है मुख्य, तो उनको उठाना और धरना। और एक स्टेप और आगे चलें तो ये कह सकते हैं चूंकि आहार किया था इसलिए निहार भी होगा। आहार माने भोजन को ग्रहण करना और निहार माने मलमूत्र क्षेपण करना, मलमूत्र त्याग, ये निहार कहलाता है। विहार माने गमन करना। तो मुनिराज गमन भी करते हैं, मुनिराज आहार भी करते हैं, मुनिराज निहार भी करते हैं, मुनिराज बोलते भी हैं और पीछे कमंडल आदि को उठाते और रखते भी हैं। ये पांच के अलावा यदि आपको कोई छठा कार्य नजर आ रहा हो तो बताओ। प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं हम, मुनिराजों की प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। पांच के अलावा कोई छठा कार्य आपको दिखाई देता है क्या? कुछ नहीं दिखाई देता। देखिए इन्हीं को समझा रहे हैं कि यदि एक स्थान पर बैठे नहीं रहा जाए तो क्या करें और वचन गुप्ती से नहीं रहा जाए तो क्या करें। पांच समितियों का वर्णन करते हैं। 230 नंबर पेज है मेरे सामने नई पुस्तकों में, 230 पेज है और 203 श्लोक है। डिजिट को आगे पीछे कर लीजिए। 230 नंबर पेज, 203 नंबर श्लोक, मूल श्लोक से पढ़ता हूं आगे। सम्यग गमनागमनम सम्यग भाषा तथेषण सम्यक सम्यग ग्रह निक्षेप व्युत्सर्ग सम्यगिति समिति। पुरानी पुस्तकों में 173 नंबर पेज है, गुजराती का भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखेगा। अन्वयार्थ सम्यक गमनागमनम, कैसे चलते हैं मुनिराज। देखो मुनिराज की लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, मुनिराज की जीवनचर्या को देख रहे हैं, मुनिराज का चलना बोलना खाना पीना सब कुछ, अरे देखो तो सही, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मुनिराज कैसे चलते हैं, अरे मुनिराज कैसे खाते हैं, मुनिराज बोलते कैसे हैं, लगता है आपको यार कैसा बोलते हैं, ये कैसा बोल रहे हैं, ये कैसा खाते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। सोचो जरा, यदि आप गंभीरता से सोचेंगे तो आपको बात बड़ा मजा आएगा, उन्हें देख देख करके आनंद आएगा। मुनिराज कैसे चलते हैं, बोले सावधानी से देखभाल कर गमन करते हैं और आगमन करते हैं। गमन माने जाना और आगमन माने लौट आना। देखभाल कर गमन भी करते हैं और आगमन भी करते हैं। सम्यक भाषा, उत्तम हित मित रूप वचन बोलना, ये भाषा है उनकी। उत्तम वचन बोलते हैं,
हितकारी वचन भी बोलते हैं, मित वचन भी बोलते हैं। उत्तम हित मित वचन बोलना दो हो गए सब। इसको तीसरा पॉइंट देखिए, सम्यग एषणा योग्य आहार का ग्रहण, ये सम्यग एषणा है। फिर सम्यग निग्रह, सम्यग ग्रह निक्षेपो, पदार्थ का यत्न पूर्वक ग्रहण और यत्न पूर्वक क्षेपण। क्षेपण माने होता है धरना। पुष्पांजलिम क्षिपेत बोलते हैं ना अपन, पुष्पांजलि क्षपामी, क्षेपण माने धरना रखना, पुष्प क्षेपण करता हूं। पदार्थ का यत्न पूर्वक ग्रहण और क्षेपण करना तथा माने और। सम्यक व्युत्सर्ग है, प्रासुक भूमि देखकर मलमूत्रादि का त्याग करना। इति इस प्रकार ये पांच समितियां हैं, ये पांच समितियां हैं। इस प्रकार देखिए भाई साहब, पांच बातें आपकी ख्याल में आई या नहीं, मैं वापस यहां आपको इस अन्वयार्थ में दिखा रहा हूं। सावधानी से चलना और बोलना, चलना ये कहलाता है इरिया। अभी नीचे पढ़ेंगे अपन इरिया समिति के बारे में। सावधानी से देखभाल कर गमन करना और आगमन करना पहला नंबर हो गया, इसको कहते हैं इरिया समिति। दूसरा है बोलने से रिलेटेड, बोलें तो कैसे बोलें, बोले हित मित और प्रिय वचन बोलना, ये दूसरी समिति है, इसका नाम है भाषा समिति। योग्य रीति से निर्दोष आहार ग्रहण करना, ये कहलाता है एषणा समिति। ईर्या, भाषा, एषणा, एषणा माने भोजन संबंधी है, भोजन किस तरह से ग्रहण करेंगे दोषों और अंतरायों को टाल करके, वो एषणा है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा प्रासुक भूमि देख, नहीं पदार्थ का यत्न पूर्वक ग्रहण और त्याग, इसे कहते हैं आदान और निक्षेपण समिति। पदार्थ को ग्रहण करना, पदार्थ को रखना, ये आदान निक्षेपण है। और प्रासुक भूमि देखकर मलमूत्र का त्याग करना, ये कहलाता है प्रतिष्ठापना समिति, प्रतिष्ठापन समिति। तो पांच हो गई ये कुल मिलाकर। इनमें से हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं यहां टीका के माध्यम से इरिया समिति की। बहुत सुंदर चर्चा है, गंभीर चर्चा है, अनेक प्रकार के भ्रम टूट जाएंगे, अनेक प्रकार की भ्रांतियां मिट जाएंगी, व्यर्थ के विकल्प टूट जाएंगे, पहचान होगी सच की पहचान, वास्तविकता की पहचान, गुरुओं का यथार्थ निर्णय करके गुरु बनने की भावना। ये कह रहे हैं टीका पढ़ो, सम्यक गमनागमनम, सम्यक भाषा तथा सम्यक एषणा च, सम्यक निक्षेपौ, सम्यक व्युत्सर्ग है, इति समिति है। ईरिया समिति क्या है मुनिराज? दिन में एक एक शब्द देखना, गंभीर शब्द है मुनिराज। दिन में इसका मतलब रात में नहीं, पॉइंट निकालते जाना, बातें गंभीरता से समझते जाना। मुनिराज दिन के समय में ही सूर्योदय के दो घड़ी बाद, जब सूर्य की किरणें स्पष्ट हो जाएं और मार्ग प्रासुक हो जाएं, तब यत्नाचार पूर्वक चार हाथ प्रमाण भूमि स्थूल दृष्टि से देखकर गमनागमन करें तथा पैरों को देख देख कर रखें। कितनी बातें आ गई है यहाँ, छोटी छोटी सी बातें हैं, बारीक बातें हैं। हमारे मुनिराज रात्रि में गमन नहीं करते, रात्रि में विहार नहीं करते, रात्रि में चलते नहीं है। बोलो स्पष्ट हो रही है बात? दिन के समय में चलेंगे, अब तो दिन उग गया। कि दिन उग गया तो एक बात बतलाइए, दिन उग गया तो सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ? सूर्योदय के आधे घंटे पहले भी आपको थोड़ी सी झलक दिखने लग जाती है, रोशनी दिखने लग जाती है, तो पो फटना कहते हैं ना जिसे, हल्के हल्के से, जैसे सूर्यास्त हो जाने के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश सा दिखाई देता है, रोशनी उजाला सा दिखता है, उसी तरह से सूर्योदय के पहले से भी उजाला दिखने लगता है। तो मुनिराज गमन कब करेंगे? बोले सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के दो घड़ी पहले
गमन बंद कर देते हैं, सूर्योदय के 2 घड़ी बाद गमन करना प्रारंभ करते हैं, माने दिन में ही मुनिराज चलते हैं। और कब? जब सूर्य की किरणें स्पष्ट हो जाएं तब चलते हैं। सूर्य की किरणें जब अत्यंत स्पष्ट दिखाई देवे तो उनका गमन होता है, और मार्ग प्रासुक हो जाए। ये क्या होता है? मार्ग कैसे प्रासुक होता है? नीचे बतलाएंगे, 2 लाइन नीचे बतला रहे हैं। बादल बहुत ज्यादा घने हो रहे हों, मुनिराज नहीं गमन करें, थोड़ा चलें, पर्याप्त रोशनी प्रकाश हो। अरे भाई, मूल प्रयोजन तो जीव जंतुओं की सुरक्षा का है, आत्मरक्षा पूर्वक यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति है। बादल छा रहे हो मान लीजिए, तो भी यदि दिन है, प्रकाश है, उचित प्रकाश दिखाई दे रहा है तो गमन कर सकते हैं। और इतने बादल छा गए हैं कि आंखों से देखने पर नीचे चलती हुई चींटी नहीं दिखाई दे रही है, मकोड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर गमन नहीं करेंगे। स्वविवेक से निर्णय करें इसके बारे में। तो कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यत्नाचार पूर्वक मार्ग प्रासुक हो जाए तब। मार्ग कैसे प्रासुक होता है? हमने तो जल के प्रासुक करने की विधि सुनी है कि पानी को अपन गर्म कर लेते हैं तो प्रासुक हो जाता है। पानी कैसे प्रासुक होगा बतलाइए? प्रासुक करके लेना चाहिए सब। प्रासुक माने गाला हुआ, गर्म किया हुआ, उबाल करके ठंडा किया हुआ, वो होता है प्रासुक पानी। कच्चे जल से मुनिराज का जन्माभिषेक भी नहीं होता है, जलाभिषेक कहते हैं, जिसे अपन प्रक्षाल कहते हैं, उसमें कच्चे जल का उपयोग नहीं लिया जाता है। छने हुए पानी से मुनिराज का प्रक्षाल कर लेने की नहीं चलेगा, गर्म किया हुआ होना चाहिए, तो वो प्रासुक हो जाता है। ये सब प्रासुक जल तो समझ में आ रहा है, तो जमीन कैसे प्रासुक होगी ये बतलाइए। जमीन किस प्रकार से प्रासुक होगी? बोले जमीन की प्रासुकता के लिए सुनो जरा बात क्या कह रहे हैं। यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ प्रमाण भूमि स्थूल दृष्टि से देखकर, पहले तो ये समझो 4 हाथ प्रमाण कितना होता है। 4 हाथ प्रमाण मतलब लगभग 5-5.5 फीट के आसपास समझ लीजिए, इतनी दूरी हिसाब 5-5.5 फीट के आसपास ये जो बात कही जा रही है, ये बात अपनी दृष्टि से कही जा रही है, हमारी हाइट वाले लोगों की दृष्टि से, नॉर्मली अपन जो 5-5.5 फीट की हाइट वाले हैं उनकी दृष्टि से। वास्तव में 4 हाथ का अर्थ ये आत्मांगुल से हाथ लगाना चाहिए। आत्मांगुल मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अंगुल अपना अपना होता है, उसे आत्मांगुल कहते हैं, उसे आत्मांगुल कहा जाता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अंगुल, वो आत्मांगुल है। क्या बात कह रहे हैं सब? तो ऐसे अपना अपना हाथ, वो उसकी दृष्टि से, माने कहने का अभिप्राय यह है कि चलते समय निगाह नीची करके चल रहे हैं और लगभग 2-3 कदम आगे तक का हमारे को दिखाई दे रहा है, इतना ही दिख सकता है चलते समय, ज्यादा आगे तक ऐसे नहीं, नीचे देख करके चल रहे हैं। इरिया समिति कहलाती है ये, खुद के हाथ के आधार पर गमन करें यत्नाचार पूर्वक स्थूल दृष्टि से, और पैरों को देख देख कर रखें सावधानी पूर्वक। मुनिराज भागते नहीं है, दौड़ते नहीं है। क्या ये कह रहे हैं? जब मार्ग पर घोड़ा गाड़ी पथिक आदि चलने लगते हैं तब वे सहज ही प्रासुक हो जाता है। ये मार्ग के प्रासुक होने की विधि बतला रहे हैं, मार्ग किस तरह से प्रासुक होता है। आपको मालूम है हमारे मुनिराज चलते हैं 4 हाथ जमीन देख करके एरिया समिति पूर्वक। अच्छा, मुनिराज गाड़ी में बैठ सकते हैं कि नहीं? मुनिराज वाहन का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? मुनिराज बग्घी में बैठ सकते हैं कि नहीं? पशु वाले नहीं हो, आदमी पकड़ करके खींच रहे हो तो मुनिराज उसमें बैठ सकते हैं कि नहीं? मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है वो मत देखना। एक बार गंभीरता से सिर्फ सिद्धांत समझने की कोशिश करना, सिर्फ प्रकरण को समझने की कोशिश करना। ये बातें किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ इसके लिए है कि मैं जब मुनि बनूंगा तो फिर वाहन का उपयोग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ईरिया समिति से चलना है उनको। ईरिया समिति माने 4 हाथ जमीन देख करके। अब कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ करके जाए तो गाड़ी 4 हाथ जमीन देख करके चल रही है कि नहीं चल रही है?
गाड़ी में बैठ करके जाएंगे तो गाड़ी 4 हाथ जमीन देखेगी कि नहीं, फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो फ्लाइट 4 हाथ जमीन देख करके चल रही है या नहीं, ट्रेन में बैठ जाएं, किसी बग्गी वगैरह में बैठ जाएं तो घोड़े 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, रथ में बैठ गए सब, रथ में मुनिराज को रथ में बिठा दिया, मुनिराज को रथ में बिठा दिया। अरे रथ में बैठे बैठे तो नेमिनाथ स्वामी ने रथ छोड़ करके दीक्षा ले ली थी, रथ में बैठे बैठे काम नहीं चलता, उसको छोड़ा जाता है, क्योंकि रथ ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चलता। इन्हें नहीं साहब, कोई कोई लोग उनको ये जो होता है ना, जिस तरह से कावट रखते हैं अपने कंधे पर, डोली जिस तरह से उठा लेते हैं, इस तरह से 4 व्यक्ति यदि उसे कोई व्यवस्था बना करके बैठा करके चले, तब तो क्या दिक्कत है कि भैया ईर्ष्या समिति की प्रतिज्ञा तो हमने ली है, देख करके चलने का विधान, देख करके चलने का नियम, ये नियम तो हमारा है, हम दूसरे के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, हम कैसे कहें दूसरे के बारे में ये देख करके चल लिया होगा। मैंने एक दिन पीछे बतलाया था अतिथि संविभाग की चर्चा करते समय, वहां मैंने आपको ये बात कही थी कि दूसरे के घर का भोजन, बना हुआ भोजन हमारे चौके में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमने मुनिराज को आहार जल शुद्ध है यह कह करके आहार के लिए आमंत्रित किया है, बुलाया है, पड़गाहन किया है उन्हें आहार जल शुद्ध है कह करके। अब दूसरे के चौके में किस तरह से भोजन बनकर के आया है, कुछ सामग्री बनकर के आई है और वो हमारे चौके में आ गई है, तो आहार जल शुद्धि की प्रतिज्ञा का क्या होगा? उसी बात को यहां अप्लाई कीजिए, 4 हाथ जमीन देख करके चलने की प्रतिज्ञा ली है, 4 हाथ जमीन देख करके चलने की प्रतिज्ञा ली है, अब क्या करें? नहीं रख सकते हैं। किसी भी वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं भाई साहब, सोचना जरा, लैपटॉप मोबाइल आदि के तो मतलब ही नहीं है इन सब बातों के, तो ये तो सब वर्जित ही हैं, इन सब के तो त्यागी होते ही हैं। क्या लोग कहते हैं साहब शास्त्रों में लिखा नहीं है कहीं भी मोबाइल का निषेध, शास्त्र में लिखा नहीं है लैपटॉप नहीं रख सकते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है ये बतलाओ कि लैपटॉप नहीं रख सकते हैं? नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है ना, तो फिर रखें कि नहीं रखें? अच्छा कौन से शास्त्र, फिर हम उल्टा कहते हैं, हम ये कहते हैं कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप रख सकते हैं ये बताओ, तो वो भी तो नहीं है। शास्त्रों में तो मुनिराज के रखने के संदर्भ में 3 ही बातें कही है ना, पीसी कमंडल और शास्त्र, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लकी के गहे लकी के धरे, ये कह रहे हैं मार्ग पर घोड़ा गाड़ी चल जाए, प्रासुक मार्ग की बात कर रहे हैं यहां, मार्ग किस प्रकार से प्रासुक होता है, जब मार्ग पर घोड़ा गाड़ी, उस जमाने की बात है, पुराने जमाने की, पथिक आदि चलने लगते हैं तब वह सहज ही प्रासुक हो जाता है। सही कह रहे हैं भाई साहब, शास्त्र की कहां मानते हैं, अब क्या करें? अब जो शास्त्र की भी नहीं मानते, ना हमारी मानते हैं, ना शास्त्र की मानते हैं, ना गुरुओं की मानते हैं, जो मनमानी करते हैं, फिर उनका क्या होगा? चतुर्गति परिभ्रमणी दिखाई देता है फिर ऐसे ऐसे हैं, फिर उनके बारे में तो बहुत कुंद कुंदाचार्य ने बड़ी कठोर भाषा का प्रयोग किया है अष्टपावड़ जैसे ग्रंथों में, खूब जब प्रकरण चलता है तब हम चलाते भी हैं और चलाया भी है, अभी जो प्रकरण चल रहा है यहाँ भी बहुत चलेगी चर्चाएं, मुनिराज के 22 परिषदों के संदर्भ में, धर्मों के संदर्भ में, अभी समितियों की चर्चा चल रही है, गुप्ती की कर चुके हैं अपन चर्चा, आवश्यकों की चर्चा कर चुके हैं। देखिए क्या बात कह दी, मुनिराज कहीं ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और ध्यान अवस्था में बैठे हुए होने पर कोई व्यक्ति गमन कर रहा है, अब गमन करके चला गया सुबह, जब कोई व्यक्ति प्रातः काल गमन करके चला गया जिस रास्ते से, बोले वो रास्ता अपने आप ही प्रासुक हो गया, जिस जगह पर सूर्य की किरण पड़ गई अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर वो रास्ता प्रासुक हो गया। रास्ता कैसे प्रासुक होगा, रास्ते के प्रासुक होने की विधि क्या है, मार्ग के प्रासुक होने की विधि क्या है, बतलाइए, कितनी कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं। बोले प्रासुक मन, प्रासुकता का प्रयोजन ये है कि रात्रि में जो अंधकार में जीव जंतु इधर उधर घूम रहे थे, वे सूर्य के प्रकाश पड़ने की वजह से
अब वहां से अलग अलग जगह पर चले जाएंगे, और सूर्य की जो किरणें होती है ये डिसइंफेक्टिव होती है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता, ये जर्म्स फ्री होती है, इसमें जर्म्स नहीं होते। बहुत मायने रखती है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें दिखाते, आप देखिए जब आपके चावलों में, जब आपके अनाज में किसी तरह के जीव हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, लटें हो जाती है, इल्लियां पड़ जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसे धूप दिखा देते हैं, धूप में रख देते हैं ना, क्या करेंगे बोलो, धूप दिखाओ उसे, पुराना हो गया है उसे धूप दिखाओ। ऊनी कपड़े हैं या ठंड के कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े 6 महीने से रखे हुए थे, अंदर बंद थे, उन्हें निकाला, रजाइयां हैं पुरानी निकाली, कंबल निकाले, फिर क्या करते हैं, उन्हें धूप में रख देते हैं। क्यों धूप में क्यों रखते हैं उन्हें, उन्हें धूप क्यों दिखा रहे हैं, जीव जंतु रहित हो जाते हैं वे, धूप से भी शुद्धि होती है, कई तरह की शुद्धि की चर्चाएं, जल से शुद्धि होती है, काल से शुद्धि होती है, धूप से शुद्धि होती है, हवा से शुद्धि होती है, कई तरह की शुद्धियों की चर्चा की है सदासु दास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में, कभी प्रसंग बनेगा तो उन शुद्धियों की चर्चा करेंगे। कुछ को काल गमन होने से ही शुद्ध मान लिया जाता है, बोलो देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, प्रासुक कैसे हो गई है जमीन, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें पड़ गई। नंबर वन, सूर्य की किरणें तो पड़ रही थी या नहीं पड़ी, कदाचित थोड़े बादल जैसे दिख रहे थे, लेकिन जीवों का आवागमन चालू था। जीवों का मतलब गाड़ियां चल रही थी, बैलगाड़ियां चल रही थी, पशु जा रहे थे, लोग उस मार्ग से घूम रहे थे, चल फिर रहे थे, तो ये कह रहे हैं फिर वो स्थान भी प्रासुक मान लिया जाता है और मुनिराज उस स्थान पर गमन कर सकते हैं, तो सहज ही हो जाता है वो प्रासुक, और प्रासुक स्थान और प्रासुक भूमि पर ही मुनिराज चलते हैं, यह बात हमें जाननी चाहिए। आगे बढ़े सेकंड स्टेप की तरफ, भाषा समिति बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बात तो ऐसी है कि बिना चले रहा जा सके तो चलो ही मत, आगम का वाक्य तो ये, वचन तो ये, भैया तुम काय के लिए चलते हो, चलना क्यों ये तो बताओ, दौड़ना भागना क्यों, गमन क्यों कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा क्यों रहे हो, यदि बन सके तो एक ही स्थान पर आसन लगा करके बैठ जाओ, अब ना चलना ना गमन करना ना फिरना ना बोलना कुछ नहीं। नहीं साहब चले बिना रहा नहीं जा सकता, बोले चले बिना नहीं रहा जा सकता तो देख करके चलो, लेकिन मौन से बोलो मत, इसका नाम वचन गुप्ति। ये साहब बोले बिना नहीं रहा जा सकता कि कोई बात नहीं, बोले बिना नहीं रहा जा सकता तो बोल लो, लेकिन कैसा वो सिखा रहे हैं यहां पर, हित मित प्रिय वचन बोलो भैया, बोलो तो पहले तुम तोलो, वचन सुहित बोला करना, बोलो तो पहले तोलो तो सही, मुनिराजों की भाषा कैसी होती है, अरे अरे क्या कहें भाई साहब, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झर रहा हो, अमृतमयी बातें निकलती है, शब्द एक एक ऐसा निकलता है जिसे सुनकर के भवी जन मन मीन प्राण दायक, भवी जन मन जलज खिलाते हो, ऐसा है कमल खिल जाते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है अंदर में, खिल जाता है एक एक रोम रोम खिल जाता है, भाषा कठोर नहीं होती, भाषा में बहुत सरलता होती है, भाषा में बहुत सहजता होती है, भाषा में हितकारीपना होता है, भाषा में मित 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 माने अल्प, ज्यादा बकवास नहीं करते, खामे खामे बोलते नहीं रहते, पट 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 किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऊट पटांग चर्चा करते रहे नहीं भाई, ये जवान मिली है, ये रसना मिली है, ये वचन बल हमारे को प्राप्त हुआ है, महाभाग्य से प्राप्त हुआ है, इसको यदि संभाल करके प्रयोग नहीं करेंगे और इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये वचन हमसे छीन लिए जाएंगे, इसलिए सावधानी रखना चाहिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बोलने में मर्यादा रखो, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, हितकारी बोलो और कम बोलो भैया, कम बोलना बहुत अच्छा है, या तो मत बोलो वो तो बेटर ही है, वो तो वचन गुप्ति हो गई कि नहीं नहीं सब बोलूंगा कैसे, नहीं बोलूंगा मैं, तो कम बोलो,
ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति ऊटपटांग बातें बोलता ही है, होता ही है ऐसा। जो व्यक्ति ज्यादा बोलेगा वो व्यक्ति ऊटपटांग बात करेगा। जो व्यक्ति कुछ ना कुछ जबरदस्ती बोल रहा है तो फिर ऊटपटांग बातें निकलेगी। अच्छी बातें है कितनी हमारे पास में जो निकलेंगी। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, उसको यहां भाषा समिति के माध्यम से कहा जा रहा है। मुनिराजों को देखो जरा, वाणी तो सुनो। भव्य जीव महाभाग्य से मुनिराजों के चरणों में जाकर हाथ जोड़ करके बैठते हैं कि मुनिराज के कुछ वचनों का लाभ मिल जाए, कुछ अमृत वर्षा हो जाए। ऐसा लगता है जैसे अमृत चल रहा हो। मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, मुख को चंद्रमा की उपमा दी है, और यह कहा है कि इस मुख रूपी चंद्रमा से झरता है अमृत। बोलो, स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्ड। पाटनी जी कह रहे हैं, बोलना चांदी है और चुप रहना सोना है। आप देखिए, इसलिए जो व्यक्ति कम बोलते हैं ना, सुनना मेरी बात, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उन व्यक्तियों का जो वचन जवान से निकलता है, रिद्धियां जैसी प्रकट हो जाती है। कम बोलें और बोलें तो हितकारी बात बोलें, जिन वचन बोलें उनके वचनों में वचन बल रिद्धि प्रकट हो जाती है, और वचन बल ऐसी रिद्धि प्रकट होती है कि वे जवान से जो बोलते हैं वो काम स्वयमेव हो जाते हैं। इधर ओट हिले और उधर स्वयमेव अपने आप काम होने लगे, ये है चमत्कार उस वचन बल का। लेकिन वचनों का दुरुपयोग नहीं किया था, इसका चमत्कार है। मत बोलो, कम बोलो। क्या बोलना है हमारे को, क्या बोले, किससे बोले, मत बोलो कि नहीं, बहुत कम बोलते हैं। आपको मालूम है, देखा होगा आपने, प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए आप आस पड़ोस में, चारों तरफ आस पड़ोस में यदि आप चारों तरफ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे इस दुनिया में, इस धरातल पर जितने इंटेलिजेंट लोग दिखाई देते हैं सब कम बोलने वाले होते हैं। कम बोलना इंटेलिजेंसी की निशानी है, और ज्यादा बकबक करना, बकवास करना, बोलना ये मूर्खता की निशानी है। कम बोलो। आप देखो ज्ञानियों को देखिए, आप कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराते बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा बहस नहीं करते हैं, हैं छी 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 हू ही आई नहीं करते रहते हैं। बहुत कितना डिसेंट होते हैं वो लोग। सब ज्ञानियों की बात कर रहा हूं मैं तो दुनिया में रहने वाले भी सज्जन पुरुषों की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े ऑफिसर ग्रेड के जो लोग होंगे, आईएएस ऑफिसर वगैरह होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, बड़े साइंटिस्ट लोग होंगे, सब कम बोलते हैं बिल्कुल। कहीं बैठे हैं चौपाल लगा करके गप्पे लड़ा रहे हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, धमाधम कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है, और ऊट पटांग बातें बोल बोल करके हंसा रहे हैं। ये चलता है सारे दुनिया भर में आजकल, लाफ्टर शो के नाम पर सब वहां से हंसे, हंसाओ हंसो और हंसो, ऊट पटांग बातें, बेमतलब की बातें, बेतुकी बातें। भैया ये जवान का दुरुपयोग कर रहा है, ये जवान तुझे नहीं मिलेगी। बड़े भाग्य से जवान मिली थी, तू कहां कहां उलझ गया है, ये जवान का कैसा उपयोग कर रहा है। संभल संभल भैया, क्या कह रहे हैं ये भाषा समिति के बारे में, क्या कह रहे हैं देखो जरा। वचन पढ़ता हूं, यहां दो नंबर का पॉइंट है, 230 नंबर पेज पर ही, गुजराती का 164 नंबर पेज था शायद, और पुरानी पुस्तकों में 173 था। भाषा समिति में क्या कह रहे हैं, हित मित और संदेह रहित वचन बोलना कि जिससे सुनने वाले किसी भी प्राणी को दुख न हो। पूरा वाक्य पढ़ दिया मैंने फास्ट। तीन शब्द बोले जाते हैं, हित मित प्रिय, जगत में प्रसिद्ध है भाषा समिति के संदर्भ में। हित मित प्रिय वचन, हित मित प्रिय वचन। हित माने क्या होता है, हित के अंदर ही शक्के छूट जाएंगे अच्छे अच्छों के। हितकारी वचन तो बचे ही नहीं है। हितकारी वचन किसे कहते हैं, हितोपदेश क्या होता है कि नहीं नहीं हम तो जो बोलेंगे भाई साहब आपके हित की बात करेंगे, बताओ हमारे हित की बात। सही कह रहा हूँ, इस कंपनी के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो, देखना आप साल भर के अंदर आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। छोड़ो एफडीओ का, बैंक का, इधर उधर का चक्कर, आप, मैं बता रहा हूं ना आपको, आपके भले के लिए कह रहा हूं। बोलो ये बात भले के लिए कही गई है या नहीं। सबकी भलाई इसी में है,
कि ज्यादा घूमो फिरो मत, क्यों? क्योंकि ये कोरोना फैल रहा है चारों तरफ, ये फैल रहा है, ये सब हो रहा है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, आपकी भलाई इसी में है, आपकी भलाई इसी में है। किसमें? आप कम खाओ, डॉक्टर कहता है, आपकी भलाई इसी में है। हर व्यक्ति शरीर के संबंध में, पैसे के संबंध में, व्यापार के संबंध में, इनकम के संदर्भ में उपदेश देकर के ये कहता है मैंने भले की बात कही है, मैंने हितोपदेश दिया है। अरे ये मुनिराजों का हितोपदेश नहीं होता, मुनिराज हित किसमें मानते हैं? रोजाना तो सुबह अर्घ चढ़ा रहे हैं पूजन करते समय। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता? आपको निर्णय हो गया क्या इसका? मुनिराज से पूछ रहे हैं हम। कोई मुनिराज मुनि पद धारण करके किसी को ऊपर पीछे रखकर यदि ये बात कहे कि आपका व्यापार खूब बढ़ेगा, हम उनसे पूछ रहे हैं मुनिराज पहले एक बात बतलाइए, धन संपत्ति और वैभव में सुख नहीं है, आपको इस बात का निर्णय है या नहीं है? निर्णय है हमारे को, क्या बात कर रहे हो? पक्का निर्णय है, तभी तो घर छोड़ा है हमने, घर गृहस्थी में सुख नहीं होता। तो महाराज पैसे में? पैसे में भी सुख नहीं होता। कि पक्का निर्णय है? कि बिल्कुल निर्णय है। तो आप आशीर्वाद ऐसा क्यों दे रहे हो कि तुम्हारी संपत्ति बढ़े? आपको तो उपदेश ये दिया जाना चाहिए कि तुम्हारी संपत्ति घटे और घटते घटते पूरी घट जाए और इतनी घट जाए कि तुम मुनि बन जाओ। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो परिवज्जतु सामण्णम यदि इच्छति दुःख परिमुखम, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो। भैया आपका उपदेश तो संयम का होना चाहिए, आपका उपदेश तो साधना का होना चाहिए, आपका उपदेश तो धन वैभव और परिग्रह से छूटने का होना चाहिए। हितकारी उपदेश, हित किसमें है पहले ये नक्की करो, इकट्ठे कर लो चाहे जितने भी हीरे मोती, हमें ये बतलाओ उससे कुछ हित होगा कि नहीं होगा। हित उपदेश की बात कर रहा हूं मैं, हित नहीं समझेंगे तो हित उपदेश क्या होगा? सबसे पहले निर्णय करो हित किसमें है, आपकी भलाई किसमें है ये बतलाओ। डोसे खाने में आपकी भलाई किसमें है? खाने पीने में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में? सोचो जरा। मैं तो प्रमोद जी भाई साहब ऐसे ऐसा ही सोचता हूं, मैं तो आड़ा टेढ़ा सोचता हूं, मैं मेरी सोच थोड़ी अलग तरह से चलती है। मैं तो पूछ रहा हूं भाई साहब, मैंने ये बात कह दी थोड़े समय पहले, बात करते हुए थोड़ी निकटता थी तो हमने कह दी, किसी को आशीर्वाद दिया उन्होंने और हमने ये कह दी उनसे बात। अरे तुम क्या बात करते हो यार, तुम बात पकड़ते हो कहां कहां से, क्या बात करते हो? अरे तो ऐसे तो आप नक्की तो करो, निर्णय तो करो अपने अंदर में। ये मुनिराज की चर्चा चल रही है, हम यदि मुनि होंगे, जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे, क्या आत्म ध्यान करेंगे? ऐसे ऐसे पंक्तियां हैं भजनों की, मैं तो गाता नहीं हूं। जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां निजातम ध्यान धरेंगे, आत्मा का ही ध्यान करेंगे, वही प्रयोजन भूत है। जैसा हम अनुभव करते हैं भैया, अंदर में हमने जैसा अनुभव किया वैसा हमने जगत के जीवों को बता दिया, बस। जो सत्य हमें स्वीकार हुआ, जिस सत्य की स्वीकृति हमारे अंदर में है, उस सत्य को हमें जगत के जीवों को बताना है। सत्य समझो, सत्य बोलने के पहले सत्य समझना जरूरी है। हितकारी वचन बोलने के पहले हित की बात क्या है इस बात को जानना और समझना जरूरी है। फिर कहा कि मित भले ही हितकारी बात हो, लेकिन कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत समझाओ। आज का समय, आज की दुनिया ज्यादा समझने वाली नहीं है। समझाने वाले लोग तो सब जगह मिल जाएंगे, समझने वाले नहीं मिलेंगे। ये थोड़े से लोग आप जैसे आ जाते हैं, मिल जाते हैं तो हम समझा देते हैं, मिलते नहीं। समझाने मत लग जाना ज्यादा लोगों को, आज का जमाना समझने का जमाना नहीं है, समझाने का नहीं। मतलब किस किस को समझाओगे, कौन समझाओगे? हाँ भैया तुम, आप कहो तो मैं जाकर के बात क्या बात करूंगी, किसको समझाओगे यार? जिसे समझना है वो आएगा तुम्हारे पास में समझने के लिए, जिसे नहीं समझना है उसे कितना भी समझाने का प्रयत्न करो वो समझने वाला नहीं है। समझाने से समझ में नहीं आता है, हम पीछे पड़े रहते हैं, ये समझता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है।
घर में सबको शिकायत रहती है, माँ बाप को बच्चों से शिकायत रहती है, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से, भाई को भाई से, ये समझते ही नहीं है। इनको इतनी बार समझा दिया, ये समझते ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है। हर व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है समझते ही नहीं है। अरे भाई समझते ही नहीं है तो तुम समझाना क्यों चाहते हो ये बतलाओ ना, समझाना क्यों चाहते हो जब वो नहीं समझते हैं तो। पहले से ही ये बात समझ लो कि ये नहीं समझेंगे, अब हमें कोई तकलीफ नहीं, मैं तो पहले से ही जानता था ये नहीं मानेंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, हमारा तो माइंड सेट है पहले से ही, ये मानेंगे नहीं, खत्म बात, इसमें क्या है। फिर उनके मना करने से तकलीफ नहीं होती हमारे को। तो मित माने कम कही बात, हित माने हितकारी बात कही, मित माने अल्प बात कही, और प्रिय भी होनी चाहिए। भले की बात तो है लेकिन भली लग नहीं रही है क्या? भले की बात तो है लेकिन दुनिया समझना नहीं चाह रही है। भले की बात तो है लेकिन मत कहो भले ही भले की बात हो, ज्यादा कहने से हितकारी बात भी गड़बड़ दिखती है। इतना पीछे क्यों पड़ रहे हैं ये, बार बार में क्यों कह रहे हैं, ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं हमारे, इनको हमसे क्या लेना देना है, ये हमें बार बार में क्यों कहते हैं, ये सुबह जल्दी उठने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये स्वाध्याय में क्यों बुला रहे हैं पंडित जी, ये बताओ क्या, ये बताओ जल्दी। ये पंडित जी ऐसी प्रेरणा क्यों दे रहे हैं कि तुम प्रवचन सुनने के लिए और लोगों को लेकर के आओ, इनको अपनी संख्या बढ़ानी होगी। वारे बात, उल्टी बुद्धि वालों को उल्टी बात समझ में आएगी, क्या करें। नहीं नहीं ये कह रहे हैं इनको भी कुछ ना कुछ मतलब होगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनका ये हो जाएगा, इनकी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इनका नाम हो जाएगा, इनका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, न मालूम कुछ ना कुछ बात होगी इनके मन में, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, ये बात कह रहे हैं यहाँ हित के साथ में मित, यदि मित नहीं है तो बात प्रिय नहीं लगती है। बात बार बार में ज्यादा कही जावे तो हितकारी बात भी अप्रिय लगने लग जाती है, ऐसा लगने लग जाता है ये क्यों कह रहे हैं यार, ये फिर आ गए यार, ये माता खाएंगे यार, ये फिर आ गए, फिर ये दिमाग चाटेंगे हमारा, ऐसा लगने लग जाता है। सोचना आप लोग भी फील करते होंगे कई बार, जब आपको आपके घर के बड़े बुजुर्ग कोई ज्ञानी धर्मात्मा बार बार में किसी चीज के बारे में टोकते हो तो आप रास्ता ही बदल लेते हैं, आसपास में नहीं जाना, सामने नहीं जाना, इधर उधर घूम जाना, ऐसा करते रहते हैं। कितना होता है ऐसा, प्रैक्टिकली होता है कि नहीं इस तरह का, मुंह छिपा लिए, अरे यार वो फिर कहेंगे प्रवचन में बैठा करो, फिर तुम दर्शन करके चले जाते हो, आज बैठना मेरे कहने से, भाई साहब वो मिले नहीं, वो देख नहीं ले, छिप करके दर्शन करके निकल जाता है। उनका मंदिर आने का टाइम हो तो टाइम बदल देता है, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ज्यादा ही पीछे पड़ गए आप, ज्यादा पीछे मत पड़ो। बैलेंस की बात मैंने एक दिन कब कही थी, बीच में किसी गोष्ठी वोष्ठी में मैंने ऐसी बात कही थी, दो तरह की समस्याएं आज युवा वर्ग में दिखाई दे रही है, युवाओं के साथ में, जो बुजुर्गों को समझनी पड़ेगी, जो घर घर के बड़े लोगों को समझनी पड़ेगी। कई घर तो इस प्रकार के हैं जिन घरों में बच्चों को किसी भी प्रकार के आचरण प्रवृत्ति के लिए, धार्मिक आचरण के लिए, जिन मंदिर स्वाध्याय पूजा भक्ति के लिए कुछ भी नहीं कहा जाता है। कुछ तो ऐसे माता पिता हैं, हम कुछ भी नहीं कहते, अरे बच्चा है कर ले, छोड़ो कोई बात नहीं, जान दो, जा तू तो खेल यार, घूम मस्ती कर, तो फिर तो खेलने मस्ती के दिन है। एक तो ऐसे माता पिता हैं, दूसरे माता पिता इस प्रकार के हैं जो पीछे पड़े रहते हैं डंडा लेकर के, तो आएगा कि नहीं, तेरे को सुनना है, तेरे को सुनना है, तेरे को सुनना है, पीछे पड़े रहते हैं, आ जाना बस, आज तेरे को कह दिया है बस, दिन में 10 बार टोक देंगे, तेरे को ध्यान है ना आज पंडित जी आए, तेरे को ध्यान है ना विद्वान को बुलाए। मैं कह रहा हूं दोनों ही गलत है, दोनों ही ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं कहना यह भी ठीक नहीं है, और ज्यादा कहना यह भी ठीक नहीं है। हितकारी बात है तो कहो लेकिन मित कहो, क्योंकि अधिक कहते ही वो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हितकारी बात का अर्थ सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि जिसमें आत्महित हो। इसलिए माथे पर पीछी लगा करके धन संपत्ति बढ़ने का आशीर्वाद, ये सच में उल्टा आशीर्वाद है, ये संसार में उलझाने का आशीर्वाद है, ये हितकारी नहीं हो सकता है, ये जंजाल है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करते हैं, जामे निश्चिन घाटी। बोलो परिवार के लोग, समाज के लोग, ये सब जंजाल हैं, उलझने हैं,
जितनी ज्यादा उलझने होगी उतना ज्यादा सुलझने और समझने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए कितना स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं, यदि आप उलझनों से बचना चाहते हो, उलझनों से बचाना चाहते हो, सच में सामने वाले का भला चाहते हो, तो उपदेश ऐसा दो जिससे उसका वास्तव में हित हो। वो हितकारी उपदेश है। मुनि भूमिका की चर्चा चल रही है। ईरिया समिति और भाषा समिति, दो प्रकार की समितियों की चर्चा हम आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। मैं सोचता हूँ ये जो आगे प्रकरण है ये आज पूरा नहीं होगा, ये समितियों वाले प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे, कल पूरा करेंगे। आप लोग थोड़ा सा विचार चिंतन करना, मैंने जिस तरह की बातें कही है प्रासुक जमीन के संदर्भ में, चलने के संदर्भ में, वाहन का प्रयोग न करने के संदर्भ में, मधुर वाणी बोलने के संदर्भ में, हितकारी वचन बोलने के संदर्भ में, ये जो बातें कही हैं इन बातों को बहुत गंभीरता से ध्यान रखना, सोचना और समझना, विचार करना और चिंतन करना, तो कुछ ना कुछ तथ्य हासिल होगा। अदरवाइज तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी और क्या दम है इसमें, इस तरह की बात है। चलिए कल कुछ विशेष प्रवचन मेरा करने का मूड है, न्यू ईयर के अवसर पर हैप्पी न्यू ईयर नाम से। अब कब करूँगा, या तो सायंकालीन रात्रि वाला प्रवचन विशेष कर लेते हैं अपन, 1 जनवरी का दिन है, आप लोग सब औरों को भी सूचित कर लेवे हैप्पी न्यू ईयर के नाम से, अपन रात को चर्चा करेंगे कल। और आज हमारे ढाई दीप के कार्यक्रमों के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम 9:30 बजे से शुरू होने वाला है, जो नव वर्ष के स्वागत के लिए है, 9:30 बजे लगभग शुरू होगा। लिंक आपको मिल जाएगी, यहाँ भी आप सुन सकते हैं जहाँ सुन रहे हैं, 9:30 बजे से लेकर के और करीब 12 बजे, 12:05-10 तक का वो समय, और बहुत गजब के प्रोग्राम, जिस तरह से सब घर में बैठे हुए हैं अवश्य आप लोग उन सबका लाभ लेवें, जो भी कार्यक्रम जिस तरह से संचालित होंगे। लिंक भी यथावत जैसे अपने जो ग्रुप हैं, जिन ग्रुपों से आप जुड़ते हैं उन ग्रुपों के ऊपर भी लिंक डाल दी जाएगी। मुनिराजों की जीवनचर्या बड़ी अद्भुत है, मुनिराजों का जीवन अलौकिक हुआ करता है। मुनिराज अपने आप में ही अलौकिक वृत्ति के धनी हुआ करते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। उनकी वृत्ति, उनका चिंतन, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका सब कुछ अलग होता है। मुनि भूमिका की इस चर्या के अंतर्गत हम विगत दिनों में, पहले हम महाव्रत आदि की चर्चाएं तो पहले हुई हैं सब कुछ, उसके बाद में 3 गुप्तियों की चर्चा प्रमुख रीति से चल रही थी, उसके पहले तप की चर्चा की, फिर गुप्तियों की चर्चा हुई, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति के रूप में। और यह निर्देश दिया गया कि जहाँ तक संभव हो सके चलना भी नहीं और बोलना भी नहीं, मौन धारण कर लो, मत बोलो, क्या बोलें और किससे बोलें, दुनिया में है कोई बोलने लायक जिससे हम बोलें, कोई नहीं है। मौन धारण करने की शिक्षा दी, बोले हिलो नहीं, जैसे हम हिल रहे हैं ना अभी ऐसे। बोले काय गुप्ति के अंदर ये कहा जाता है कि शरीर से स्थिरता होनी चाहिए, हिलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। भाई साहब बहुत कठिन बात हो गई है, तो एक बार स्थिर भी हो जाए फिर को बोलो भी मत, अब बोलना भी नहीं है, बड़ा कठिन लगता है। तो फिर ये कहा गया कि यदि चले बिना न रहा जाए तो चलो, बोले बिना न रहा जाए तो बोलो, लेकिन बोलो तो हित मित और प्रिय वचन बोलो, चलो तो सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन देखकर चलो, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। वाणी कैसी होती है मुनिराजों की, सच में मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसी स्थिति है, मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झरता हो। मुनिराजों को देखने मात्र से ऐसा लगता है, लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, मुनिवर समतारस पीने आया हूँ, समतारस का उपभोग करने वाले, अस्थि की मस्ती में सहजता जिनके जीवन में है, सहजता जीवन का श्रृंगार है जिनके, जिनकी सहजता जगत में विख्यात है। विगत दिनों में हमने आपके बीच में चर्चा की, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, ऐसी अलौकिक अद्भुत वृत्ति हुआ करती है मुनिराजों की, ऐसा जीवन है मुनिराजों का। यहाँ समितियों की चर्चा चल रही थी और ये कहा भैया क्या है समिति, किसका नाम है समिति। टोडरमल जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में,
सातवें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारवासी जीव का प्रकरण और उसमें आगे बढ़ते हुए सात तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा, वहां उन्होंने कहा, देखो भाई, पर जीवों की रक्षा के अर्थ समिति मानता है, ऐसा समझता है जीवों की रक्षा, ऐसा समझता है जीवों की रक्षा, ऐसा समझता है जीवों को बचा लो। अरे तेरे बचाने से जीव बचते नहीं है। जब प्रत्येक जीव अपनी आयु कर्म से जिंदा रहता है और आयु कर्म पूरी हो जाने पर मरण को प्राप्त होता है, तो फिर कहाँ यह अधिकार और अवकाश रह जाता है कि मैं बचा लूं इनको, मैं इनकी रक्षा कर लूं, ये कहाँ हमारे अधिकार क्षेत्र में है। एक और गजब की बात, संवर का प्रकरण है, मुनि राजों के जीवन का संवर है यह। उमा स्वामी आचार्य ने संवर की व्याख्या करते हुए यह लिखा है, से गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। समिति संवर है, गुप्ति संवर है, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये सब संवर है। बोले ये सब संवर है तो रक्षा के परिणामों से तो पुण्य बंधन होता है, इससे संवर कैसे होगा? जिस चीज से बंधन हो उस चीज से संवर नहीं हो सकता है, तो फिर सच्ची समिति किसका नाम है? कल तो हमने उसकी चर्चा की, आपके बीच में विशेष व्याख्यान था जो हमने परसों चर्चा की है आपके बीच में, जिसमें हमने समिति की विशेष बात बतलाई। सच्ची समिति किसका नाम, बोलो सच्ची समिति किसका नाम? तो कहा भैया आप सोचो जरा, अपने दिल पर हाथ रख करके, उल्लास भाई आप सोचो जरा, सच्ची समिति किसे कहें, समिति किसे कहें? मैं सच कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, पढ़े लिखे लोग, अभ्यासी लोग, स्वाध्यायी लोग, किसी भी व्यक्ति से मैं अपमान नहीं करना चाहता विद्वत वर्ग का, लेकिन एक बार तो यदि किसी से पूछा जाए तो तत्काल यही वाक्य निकलता है, चार हाथ जमीन देख करके चलना एरिया समिति है। चार हाथ जमीन देख करके चलने को एरिया समिति कहते हैं, लेकिन टोडरमल जी ये कहते हैं कि चार हाथ जमीन देख करके चलना, चार हाथ जमीन देख करके चलना, ये तो जड़ की क्रिया है, इससे संवर कैसे होगा? जड़ की क्रिया से आत्मा के संवर का क्या संबंध हो सकता है? ये तो शरीर की क्रिया है। तो नहीं 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 शरीर की क्रिया की बात नहीं है, चलने का परिणाम, चलने का भाव, देख करके चलने का भाव। बोले ये तो पुण्य बंध का कारण है, ये राग की क्रिया है, इसमें भी संवर नहीं होता, इसमें भी धर्म नहीं होता। तो फिर क्या है संवर? बोले अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतराग परिणति चलती है, वही वास्तव में निश्चय से समिति है, वो संवर है। तो तीन बातें हो गई यहां जो ध्यान रखने योग्य है। अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति, वो निश्चय से समिति, लेकिन वो निश्चय से समिति व्यवहार के बिना लागू नहीं होगी, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य उस परिणति में यदि कोई मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हो तब भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो फिर समिति थोड़ी ना कहेंगे उसे, साधना कर रहे हैं समिति थोड़ी ना कहेंगे। तो ये निश्चय से तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ साथ गमन करने का परिणाम, और परिणाम के साथ साथ में इस देह की चार हाथ जमीन देख करके गमन करती हुई शारीरिक अवस्था, इन तीनों के युगपत मिलान का नाम ईरिया समिति है। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं श्राविका रत्न, समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान, स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्र वधु विद्या प्रकाश, सुनीता देवी, संजय कुमार, रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्र वधु विजय कुमार, चांदनी, अरिहंत, पूजा, तीर्थेश, प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश, सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञान दान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के तीन प्रायोजक मिलकर भी ज्ञान दान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है, अर्थात एक रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं, और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरम्भ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।